करते हैं यू यानी तुम्हारा, और थर्ड पर्सन में है हमारे पास ही शी इट दे, यानी कि कोई तीसरा पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी तीसरा इंसान या तीसरी चीज, जैसे कि फादर, मदर, रोहित, नेहा, सन, मून। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें हमारी आती है थर्ड पर्सन के अंदर, और इसी के साथ हमारे ये तीनों पिलर्स यहीं पर खत्म होते हैं। दोस्तों, हम लोग बार बार इन तीनों पिलर के बेसिक के बारे में बात करते रहेंगे और टेंसेस को समझते रहेंगे, इसलिए आप इन तीनों ही पिलर्स को सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामेटिकल पर्सन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए, ताकि जब हम टेंसेस पढ़े तो आपको वो समझ आ जाए। आइए अब एक चार्ट बनाते हैं। दोस्तों, टेंसेस के फोर फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आपको याद ही होगा हमने टेंसेस के तीन टाइप्स के बारे में बात की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, इस चार्ट से आपको टेंसेस के ये 12 फॉर्म्स लिखने और याद करने बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि सिंपल की केस में यहाँ से लिया सिंपल और ऊपर से लिया प्रेजेंट, और ये हमारा बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरह हमारा होगा सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने इधर से लिया प्रेजेंट और साइड से लिया कॉन्टिन्यूस, और ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से लिया प्रेजेंट और वहाँ से लिया परफेक्ट, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आपकी ये दूसरे से किस तरह अलग है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें हमको कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बताया गया, बट एक ऐसी चीज बताई है जो आज भी होती है। आज भी होती कैसे, मतलब है या तो इस टाइम पे यानी कि अभी, या फिर इस आर पे, इस बीट पे, या फिर इस